हेलो स्टूडेंट स्टूडेंट्स, हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021 के क्वेश्चंस का सोल्यूशन कर रहे थे और हम लोग मॉडल सेट टू का सोल्यूशन कर रहे थे। मॉडल सेट वन का सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन कर दिया था, आप उन्हें जरूर देख लिए होंगे, ठीक है ना। अगर नहीं देखे होंगे स्टूडेंट तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज मौजूद हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, ठीक है ना। तो मॉडल सेट टू की बात करें स्टूडेंट, तो मॉडल सेट टू में सेक्शन ए के क्वेश्चन जो है 1 to 30 तक के सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन कर दिया था, ठीक है ना। तो आज जो इस वीडियो में हम लोग जो सोल्यूशन करने वाले हैं स्टूडेंट, वह है 30 से आगे के क्वेश्चंस का, यानी कि 31 से क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे, ठीक है ना। जिसमें से स्टूडेंट दिया हुआ है फिल इन दी ब्लैंक्स करके, ओके। तो फिल इन दी ब्लैंक्स को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे और किस क्या भराएगा वहां पर, हम लोग करेक्ट वैल्यू क्या लिखेंगे, वो सारे क्वेश्चन को देखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। तो चलिए बारी बारी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, है ना, फिल इन दी ब्लैंक्स आपको दिए हैं, है ना, खाली स्थान की जगह पे आपको फिल करना है, भरना है, ठीक है ना। तो 31 का क्वेश्चन आपसे बोल रहा है स्टूडेंट, इफ यदि fx बराबर दिया हुआ है 4x by upon 3x plus 4, है ना, 4x बटा दिया हुआ 3x plus 4, और देन पूछ रहा है देन f माइनस 1 बराबर क्या आएगा, है ना, उसके वैल्यूज क्या निकलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग सॉल्व करके इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात कि हमें फंक्शन जो दिया एफ एक्स बराबर 3x प्लस 4, है ना, 4x बटा एफ मान दिया, हमें क्या करना है स्टूडेंट, यहां बोल रहा है एफ माइनस 1, है ना, तो इसलिए एफ माइनस 1। अब थोड़ा सा सोचो, x की जगह पर मैं मुझे क्या करना, माइनस 1 को पुट कर देना है, 4 इंटू माइनस 1 3 इंटू माइनस 1 प्लस 4। 4 को जब माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 4 हो जाएगा, ये आपका माइनस 3 प्लस 4, ठीक है जी। तो माइनस 4 बटे 4 में से 3 घटेंगे तो 1, है ना, और 4 को जब 1 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, मैं इधर ही लिख देता हूँ, है ना, 1 ही आए, सॉरी 4 ही ना आएगा, ठीक है ना, 4 ही आएगा लेकिन माइनस में माइनस, समझ पा रहा है ना। तो एफ माइनस 1 का जो वैल्यू निकलेगा वो स्टूडेंट कितना आएगा, माइनस 4 के बराबर, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर जो फिल करना होगा वो लिखना होगा कितना, माइनस 4, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आया। तो थोड़ा आराम से आपको करना है, पहले वैल्यूज को निकाल लेना है कि देखते हैं कितना आता है, उसके बाद वहां वैल्यू पुट कर देंगे, है ना, ये आपको रफ में करना है, ठीक है, ठीक है। तो 32 पे आइए, है ना, लिखना रखा स्टूडेंट, बोल रहा है tan inverse x माइनस tan inverse y बराबर दिया है tan inverse, अंदर में क्या आएगा, इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा जाएगा। तो आपको मालूम होगा स्टूडेंट, ये आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का प्रॉपर्टीज होता है, है ना, क्या होता है, tan inverse x माइनस अगर tan inverse y का पैटर्न रहता है तो हम लोग लिखते हैं tan inverse x माइनस y बटा 1 प्लस एक्स वाई, है ना, याद भी होगा स्टूडेंट आपको, ठीक है। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, tan inverse x माइनस tan inverse y बराबर tan inverse लिखा हुआ, देखो tan inverse दिया हुआ है, तो हमें अंदर ब्रैकेट में क्या लिखने की जरूरत है, x माइनस y बटा 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है, बस समझ में आ रहा, ठीक है ना। तो ये सब चीजें मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, ठीक है, प्रॉपर्टीज को भी बताया था आपको, ठीक है ना, और कई प्रॉपर्टीज को बताया था, लेकिन यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ ये, तो हम इस तरह लिख देंगे, है ना, ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट पे आते हैं, इसे लिख लीजिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं, ये सिंपल सा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पूछ रहा है, दिया इंटीग्रेशन 1/√x2 + a2 का वैल्यू क्या है। तो देखिए इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, है ना, log x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। तो आपको क्या करना है, ये तो यहाँ पर हो गया, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में आपने फिल कर लिया, लेकिन कई फॉर्मूले हैं और हैं, है ना, उस सारे को आप याद कर लेंगे, ठीक है ना। अगर फॉर्मूले का टाइप पूछ रहा है, मॉडल सेट में दिया है, तो आपको इस तरह के कई और फॉर्मूले याद रखने चाहिए, कर लेने चाहिए, ठीक है ना। तो आप कर लेंगे, यहाँ पर इसका जो है फॉर्मूला जो वैल्यू होगा वो इतना रखेंगे, ठीक है जी। चलिए फिर नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। देखिए ये डिफरेंट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिया,
टू टू फोर लिमिट दिया है, टू टू फोर, और फंक्शन दे रखा है स्टूडेंट वन बाई एक्स डी एक्स, ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, और लिमिट वैल्यू पुट करके वैल्यू बताना है। तो देखिए सबसे पहले हमें डिफिनिट इंटीग्रेशन का अगर हम सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं। तो आपको सभी को मालूम है वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स, ठीक है ना, तो इसको लिख लेंगे लॉग एक्स, ठीक है। और रही बात लिमिट वैल्यू बैठाने की, तो अभी लिख लेते हैं टू टू फोर, समझ में आया, इस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन हो गया लॉग एक्स, ठीक। और आप अब क्या करने वाले हैं, तो पहले अपर लिमिट का वैल्यू यहां पर पुट करेंगे एक्स की जगह पर, यानी यहां जो रहेगा ना वैल्यू, यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे वही वाला वैल्यू। तो देखो लॉग पहले आएगा एक्स जगह पर चार, ओके, माइनस फिर लिख ले है माइनस, कब, जब हम लोअर लिमिट का वैल्यू को पुट करना चाहेंगे, फिर लिखेंगे लॉग, लॉग का लॉग एक्स की जगह पर दो, ये जो है ना पुट कर दीजिए, हो गया। अब बात सुनेंगे, आपको जो है मैथ्स जो बोलते हैं वो सिंपल फॉर्म होना चाहिए, है ना, ये जो है सिंपल फॉर्म में आंसर तो आ चुका है लेकिन सिंपल फॉर्म नहीं है। तो एक बात याद करें, लॉग ए माइनस लॉग एन का फॉर्मूला आपको याद होगा, लॉग ए माइनस लॉग एन इस पैटर्न का। तो हम लोगों ने सीखा था कि लॉग एम बटा एन लिखते हैं, इसको ऐसा लिखते हैं। तो देखो लॉग फोर बाई टू लिख सकते हैं, लॉग एम माइनस लॉग एन ऐसा कर सकते हैं, है ना। तो अब ये हो चुका है, अब देखो कटता है काट, दो दो दूनी चार, टू टू जै फोर, तो लॉग कितना हो जाएगा फाइनली, है ना, यानी कि इसका जो यहाँ पर जो वैल्यू जाएगा, यानी इस ब्लैंक स्थान पर जो भरना होगा, ठीक है ना, तो वहां लिखना कितना भरना होगा हमको, लॉग टू, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ओके, ठीक है, देखिए, ठीक है। तो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 सिंपल है, बोल रहा है द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन जो यहाँ दिया हुआ है इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, ठीक है ना, यहाँ ब्लैंक स्थान पर भरना है, खाली स्थान पर भरना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग को जो यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है स्टूडेंट, वो डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दिया है ना। तो यहाँ पर गौर करिए, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है वो वेरिएबल सेपरेबल का है ना। हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो डी एक्स है बटे, ये इसको हम इधर लेकर सकते हैं एक्स की तरफ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स तो पहले से था, ये डी एक्स इधर लेकर आ गया, ओके, इस तरह हाँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ओके। तो ये डी वाई लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर मैंने यहां लिखा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, मतलब हम इंटीग्रेशन रखती है। हाँ ध्यान दीजिए डी वाई का इंटीग्रेशन स्टूडेंट क्या होता है, वाई, है ना, जैसे डी एक्स का एक्स लिखा करते हैं उस तरह से डी वाई को हम लोग वाई लिखेंगे, ओके जी। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो एक पावर ऐड करते हैं, एक नंबर ऐड करते हैं पावर में, है ना, तो थ्री, और उसी नंबर को हम लोग नीचे लिखा करते हैं, यह हो जाएगा एक्स क्यूब बाय थ्री प्लस प्लस का प्लस। अब देखो गौर करो, यहां पर आप यहां देखो तो कुछ नहीं, तो यहां पर एक है पावर, है ना, अभी जस्ट मैंने बोला कि एक्स के पावर रहता है, नंबर रहता है, तो उसमें एक ऐड करते हैं, है ना, इस पैटर्न का, जैसे आपको यह पता होगा एक्स के पावर एन डी एक्स वाला, तो हम एक्स पावर एन प्लस वन बटा एन प्लस वन करते हैं, वही चीज यहाँ नीचे लिखा था, है ना, तो सिंपल आपको बता रहा हूँ, एक पहले से है, एक और ऐड कर लीजिए, तो एक्स पावर टू हो जाएगा बटे दो, और लास्ट में लोग प्लस कॉन्स्टेंट एक लेते हैं, तो यहाँ कॉन्स्टेंट एक सी लिख लेते हैं, ठीक है ना, तो ये आपका जो है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रखा था द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इतना इज क्या हो जाएगा यहाँ पर ब्लैंक स्थान पर, खाली स्थान पर क्या हो जाएगा, वाई बराबर एक्स क्यूब बाय थ्री प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से लिख लें, ठीक है।
तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 36 पे। देखिए यहाँ सिंपल आपसे वैल्यू पूछ रहा है, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू क्या आएगा, ठीक है ना। तो आपको क्रॉस का अगर रूल जानते होंगे, पता होगा, तो आप समझ रहे होंगे कि मुझे यहाँ क्या भरना है, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि कैसे लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा के वेक्टर, लेकिन मैं समझा देता हूँ भाई कि बाद में दिक्कत ना हो कभी, हाँ ना। सिंपल सा तरीके से आपको बता दूं। देखो स्टूडेंट, मान लो यहाँ पर हमने आई वेक्टर लिया, ये जे वेक्टर और यहाँ पर के वेक्टर। क्रॉस को आपको समझाने का मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना। मान लीजिए आई क्रॉस, है ना, I क्रॉस J जाएंगे ना इस तरह से, ठीक है ना। तो एंटी क्लॉक, क्लॉक आप देखे होंगे तो उस ध्यान दीजिएगा, एंटी क्लॉक। जब एंटी क्लॉक जाएंगे तो प्लस होगा, प्लस लेंगे, यानी I क्रॉस J तो क्या हो जाएगा, K, K वेक्टर। I वेक्टर क्रॉस J वेक्टर में क्या लेंगे स्टूडेंट, K वेक्टर, ओके। तो वही मैंने K वेक्टर लिया। अगर आपसे ऐसा पूछ दिया जाए कि सर J वेक्टर क्रॉस K वेक्टर रहेगा तो क्या लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, आई वेक्टर। बस समझ रहा है। इसी तरह से के वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर अगर आपसे पूछ दिया जाए तो क्या आ जाएगा, जे वेक्टर। लेकिन अगर उल्टा चलते है ना, ये एंटी चला है ना, अगर हम लोग क्लॉक चलते हैं, चलो क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज की बात करेंगे। मान लीजिए आई क्रॉस जे, मैं लिख देता हूँ आई क्रॉस के, सॉरी के, ठीक है ना। तो ये क्लॉक वाइज जा रहा है और क्लॉक में हम लोग क्या लेंगे, साइड नेगेटिव, ठीक है। तो आई क्रॉस के क्या आ जाएगा, जे वेक्टर, याद रखना, लेकिन माइनस में। हमने क्या बोला, जब क्लॉक डायरेक्शन को लोगे तो आगे तो बताएगा वेक्टर, आगे बताएगा, लेकिन किस में बताएगा, नेगेटिव। चलो देख लो, अगर मैं पूछ लूं कि मान लो के वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, ये डायरेक्शन है ना, ठीक है। तो k वेक्टर क्रॉस j वेक्टर की बात कर ले तो क्या लिखोगे आप, माइनस i वेक्टर। बस समझ में आ रहा ना, ठीक है ना। तो आप इस चीज को माइंड में रखेंगे, ठीक है ना, कि हमको क्या एंटी क्लॉक में कैसा चलना है, पॉजिटिव लेकर के आगे वाले बढ़ेंगे, हाँ ना, और क्लॉक में चलेंगे तो नेगेटिव लेकर चलेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर i क्रॉस j था, i के बाद j था, i क्रॉस j, तो ये एंटी क्लॉक था, तो आगे बढ़ेगा k वेक्टर तो लिखेंगे, लेकिन किस में लिखेंगे, पॉजिटिव में, ठीक है। यहाँ पर के वेक्टर हो जाएगा, अच्छा ठीक है। फिर नेक्स्ट में आते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है ना, ये भी एक वेक्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा दिया, इफ बोल रहा स्टूडेंट, यदि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर जीरो वेक्टर, है ना, जीरो दिया हुआ है, देन तो क्या होगा, इतने इसके बराबर जीरो दिया हुआ तो क्या आएगा भाई, ठीक है ना, खाली ब्लैंक स्थान पर क्या भरेंगे हम लोग, तो आपको मालूम होगा, ठीक है ना। तो क्या कि सर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को हम लोग जब डिफाइन करते थे तो इसका जो होता था ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, सॉरी हाँ साइन थीटा, है ना, ये होता था। तो आप यहां गौर करो, ए क्रॉस बी का तो वैल्यू जीरो दिया हुआ है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। डायरेक्ट वैल्यू अगर पुट कर दूं तो मतलब मुझे लिखने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको समझने में दिक्कत हो जाएगी डायरेक्ट सर कैसे लिख दिया, ठीक है ना। मैं इसीलिए एक्सप्लेन करके आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं क्या इस मैग्नीट्यूड के वैल्यूज को बटे में लिख सकता हूँ, बटे में ला सकता हूँ, जीरो बटे ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड बराबर साइन थीटा, ठीक है। तो जीरो बटा दिस वैल्यू, यानी कोई जीरो है और यहाँ पर सपोज कोई भी नंबर है, ठीक है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो भी किसी नंबर से भाग दोगे भाई तो जीरो ही ना आएगा, साइन थीटा, हाँ। चलिए देखते हैं, देखिए साइन थीटा बराबर जीरो, यही चाहिए ना, एकदम लिखा, ध्यान सुनना। अब साइन थीटा बराबर जीरो है, आप ये बताइए कि जीरो कितने डिग्री में, डिग्री का वैल्यू होता है साइन में, साइन कितने डिग्री का जीरो होता है, देखिए साइन थीटा बराबर जीरो है, तो साइन जीरो डिग्री का वैल्यू होता है जीरो, ठीक है ना। तो साइन साइन कैंसिल आउट हो जाएगा तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, जीरो डिग्री, है ना। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो, देन थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री, यानी एंगल क्या होगा, जीरो डिग्री,
बस समझ आया? ठीक है, तो आप ऐसा लिखेंगे। ठीक है, तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 38 पे, है ना। देखिए 38 सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा, बोल रहा है डायरेक्शन रेशियो ऑफ द वेक्टर। ये जो वेक्टर दिया हुआ स्टूडेंट है ना, उसका डायरेक्शन रेशियो आपको लिखना है कितना होगा। तो आप सिंपल सा जानते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए ये वेक्टर होता, ये वेक्टर है 2i + 2j - k, ठीक है ना। तो इसका डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर क्या लिखते हैं dr, तो लिखते हैं हम लोग 2i j k के कोफिशिएंट को लिखते हैं, समझे ना बात को। तो i का कितना है 2, j का कितना 2, k का कितना यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, ओके। तो यहाँ माइनस में है तो माइनस 1, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द वेक्टर इतना का जो हो जाएगा यहाँ पर खाली स्थान पर भरेंगे हम लोग 2 2 - 1, ओके ठीक है। बहुत सिंपल सा था, तो आप खाली स्थान पर इसको भरेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 39 पे। देखिए बहुत मस्त सा क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज कर रहे थे, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है, मैं आपको डिटेल्स के साथ इसको समझा दूंगा, ठीक है। बोल रहा है इफ ए इज एन इवेंट, मान लीजिए ए जो है वो एक इवेंट है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ए या ए अंडर ए का वैल्यू क्या होगा। तो स्टूडेंट इसका वैल्यू जो है ना 1 आएगा, कितना आएगा 1। अब आपका सवाल होगा सर कैसे, है ना, तो थोड़ा आराम से इसको समझ लेते हैं, ठीक है। हम लोगों ने तो ये तो सीखा था कि सर a by b होता था, a बटा b बोलो या a by b बोलो, ये सीखा था। और इसके बराबर हम लोगों ने सीखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ b होता है, है ना, ये होता है, ठीक है। यहाँ a by a दे दिया है, हाँ, और कुछ a का वैल्यू दिया नहीं है, खाली ये बोल दिया इवेंट है, हाँ, तो कैसे क्या किया जाए। तो पहले समझना पड़ता, इसको यही दे देते हैं, ठीक है। मान लीजिए स्टूडेंट मेरे पास एक सिंपल स्पेस है, कोई एक डाई का या कुछ के, किसी चीज का सिंपल स्पेस है मेरे डाई का, सपोज 1 2 3 4 5 6 डाई का सिंपल स्पेस है। और मेरे पास ये जो इवेंट है वो है 1 2 3, कुछ भी ले सकते हो, हां। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए, हां, कि ए इंटरसेक्शन ए बराबर क्या लिखोगे, ए तो 1 2 3 है, हाँ ना, और ए में ही कॉमन ढूंढ रहे हैं तो टोटल वही आ जाएगा, 1 2 3 में आ जाएगा, समझिए बात को। ए और ए में ही कॉमन, ए में इतना है, ठीक है ना, और एक दूसरा मान लो ए, तो वही लिखोगे ना यार, ए चाहे कितना बार भी लिखो तो ए तो वही लिखाएगा ना, ठीक है ना। ए और ए में कॉमन क्या आएगा, 1 2 3 आएगा, ए बी से बी से, हाँ, ये बात हम समझाना चाह रहे हैं, ए और ए में कॉमन जो है 1 2 3 ही आएगा। अच्छा सर, ठीक है। तो अगर प्रोबेबिलिटी बनाया जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की बात करें, ए का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, इसका सिंपल स्पेस 1 2 3 बटा सिंपल स्पेस होता है तो 1 2 3 4 5 6 1/2 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की बात करेंगे तो 1/2 इसका मिलेगा। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए का वैल्यू की बात करें तो ए इंटरसेक्शन ए में कितने एलिमेंट्स, 1 2 3 बटा सिंपल स्पेस लगाते तो सिंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 6, इसको भी काटोगे तो 1/2 आ जाएगा, ये तो क्लियर है। अब देखना, अगर मैं आपसे बोलूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय ए निकालो, ए अंडर ए, है ना, एक ही बात है, तो क्या कैसा आप सेट करोगे। आपको सेटिंग करना बताया जस्ट कि ए बाय बी अगर रहता है तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं, तो नाम तो यहाँ पर ए ही करके ना दे दिया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए लिखना पड़ेगा, बी भी ए ही लिखा है बट्टा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ना लिख करके हमको ए लिखना पड़ेगा, ऐसा फॉर्मेट होता है, हाँ जी। ए इंटरसेक्शन ए का वैल्यू कितना निकला था हमारा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू कितना है, 1/2 ये भी निकला है। अभी जब कट तो गया स्टूडेंट कितना आ जाएगा, 1, बस समझ में आ रहा ना, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आंसर आएगा, बस समझे। आप इसको थोड़ा सा जो है ना गौर से समझने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल सिंपल लगेगा, ऐसा कोई हार्ड बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर रहे थे कितना आएगा, कितना लिखेंगे, है ना, तो ऐसा यहाँ जो है 1 आएगा, ठीक है। आप ऐसा इसको लिख लेंगे, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेक्शन ए का जो है वो
ये लास्ट क्वेश्चन है ना स्टूडेंट, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ए और बी बोल रहा है इंडिपेंडेंट इवेंट है, इवेंट है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर व्हाट। तो सिंपल सा हम लोग को सीखे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कब ये कब होता है, है ना, तो जब इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं तब ये होता है, ठीक है ना। तो हम इसको लिख देंगे खाली स्थान पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कोई बच्चे ये नहीं समझ लेना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर, सर आप ये भी तो बताए थे, ये ठीक है ना। तो ये कब होता है स्टूडेंट, है ना, ये जनरल सा रूल है, लेकिन जब हम इंडिपेंडेंट की वर्ड आ जाएगा, इंडिपेंडेंट बोलेगा ना, इंडिपेंडेंट वर्ड इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट जो है वो सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो सेक्शन बी के क्वेश्चन का, ठीक है, तब तक के लिए आप खुश रहें, मेहनत करते रहें। थैंक यू जी।